में घने कोहरे को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि घनी धुंध के कारण रेलवे, सड़क और एयर रूट प्रभावित हो चुके हैं। दिल्ली के पालम में सुबह 7 बजे 50 मीटर से भी कम की विजिबिलिटी रही। दिल्ली एयरपोर्ट पर 110 फ्लाइट अब लेट हो चुकी हैं, जबकि 26 दिसंबर को कोहरे के कारण 11 फ्लाइटें जयपुर डायवर्ट की गई थी। वहीं यूपी में कोहरे की वजह से आज सुबह 6 बजे सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 41 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक ट्रक अचानक पलट गया, जिसके बाद पीछे से आ रही 25 गाड़ियां आपस में जा टकराई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 41 लोग घायल हैं, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही आगरा फिरोजपुर हाईवे पर 15 वाहन आपस में टकराए। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कंटेनर और स्लीपर बस की जोरदार भिड़ंत हुई। थोड़ी देर बाद दिल्ली जा रही 2 स्लीपर बसें कंटेनर और बस में पीछे से जा भिड़ी। इसके साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे पर 12 वाहन घने कोहरे की वजह से आपस में जा टकराए। बात राजस्थान की करें तो राजस्थान में कोहरे की वजह से 3 अलग अलग सड़क हादसे हुए, जिनमें एक बस और ऑटो की भिड़ंत हुई। इनमें एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। हनुमानगढ़ में अबोहर साधु शहर रोड पर बस और जीप की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि सीकर में NH-52 पर 2 कार और एक बस की जोरदार भिड़ंत हुई। आपको बता दें कि IMD ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत 14 राज्यों में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली के अलावा पंजाब और हरियाणा में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब के अमृतसर में आज सुबह 5:30 बजे विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो थी। पंजाब से सटे हरियाणा के अम्बाला, प्योवा, कैथल, शाहबाद और गुल्ला में सुबह 8 बजे विजिबिलिटी 10 से 50 मीटर तक दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा में 28 दिसंबर तक घने कोहरे का अनुमान है, जबकि 29 दिसंबर से 30 दिसंबर तक हल्का कोहरा छाया रहेगा। आपको बता दें कि राजस्थान के श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू के कुछ इलाकों में सुबह कोहरे की वजह से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित रहा। लो विजिबिलिटी के कारण 3 सड़क हादसों में महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 6 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि धुंध के कारण हादसे लगातार हो रहे हैं, ऐसे में वाहन चालकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो वाहन धीमी गति से चलाएं।